अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मुझे पता है कि भूख भी बहुत सख्त लग रही है, तकरीरें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फहीम की मोहब्बत है, उसने तो कहना है कि मैं तकरीर करूं, लेकिन मेरा आज वादा है अपने इंटरनेशनल डायरेक्टर से, और डायरेक्टर के आने की खुशी मुझे इतनी है। देखिए, आज मेरे लिए दो बहुत अहम मौके हैं। मियाँ इदरीस, जिनको मैं दिल से अपना भाई मानती हूँ और जिनकी वालदा ने मुझे भी अपनी बेटी बनाया हुआ था, आज वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल डायरेक्टर बन के आए, इससे कोई कम बात नहीं हो सकती किसी की। और फिर डॉक्टर सरोश अकरम, जिनको मैं वाकई अपना छोटा भाई, अपना बरखुरदार, कई दफ़ा तो बच्चा समझ के बहुत डांट भी देती हूँ, वो आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना और इतना बड़ा हो गया कि उसने ओथ ले लिया आप सबकी। सो मेरे लिए बहुत खुशी के मौके हैं, और इतने खुशी के मौक़ों पे अगर मैं खिताब ना भी करूँ तो मेरी खुशी आप तक वैसे ही पहुँच जानी चाहिए। बस सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आज की तकरीब बेहतरीन थी। मैं इवेंट चेयरपर्सन सुहेल सेठी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ, और हसन सरोज साहब, आपने वैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपनी इंस्टॉलेशन में अपनी पूरी टीम के साथ, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी, आपके कैबिनेट ट्रेजरर, आपकी पीडीजीज एडवाइजरी, आपके बाकी लाइन जो रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन और क्लब के लोग शामिल हैं, और आपके दो बेहतरीन होनहार मास्टर ऑफ सेरेमनी जो यहाँ पर आपने बुलाए हुए हैं, मेरा दिल खुश हो रहा है। मुझे नज़र आ रहा है कि दीज आर दी इमर्जिंग लाइन्स ऑफ 305N2, और मेरा अब किरदार यही होना चाहिए कि मैं अपनी लीडरशिप को, आने वाली लीडरशिप को देखूं फलता फूलता और इनको ग्रूम करूं ताकि वो अज्यूम करें नई लीडरशिप पोजीशंस में। तो मैं बहुत खुश हूं आज की तकरीब से, आपने मेरा मान बहुत बढ़ाया। अल्लाह आपकी ज़िंदगी बढ़ाए और आपको और तरक्कियाँ दिखाए। मलिक साहब कराची से तशरीफ़ लाए, जफर साहब आए, मैं साउथ से इतनी दूर से आने वाले मेहमानों का एक दफ़ा फिर इस्तकबाल करती हूँ, और मेरे दो गवर्नर्स, देखिए जब मैं गवर्नर कहती हूँ तो मेरे तीन गवर्नर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मुतलानी साहब जिनका ताल्लुक एस से है और राशिद मुनीर साहब जिनका ताल्लुक N1 से है। ये तीनों गवर्नर बसमेर सरोज हसन के मेरे हाथ से ट्रेन भी हुए हैं। इनकी जो डीजी इलेक्ट की स्कूलिंग थी वो मैंने और जफर साहब ने की, मलिक साहब भी वहाँ शामिल थे। तो मेरे हाथ से जब ये स्कूलिंग करके निकलते हैं और अच्छा काम करते हैं तो मेरा सर फख्र से बुलंद होता है। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और छांव तलाश करना, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और छांव तलाश करना, खड़े होना दलदलों में और पांव तलाश करना। सुखवातीन हजरात, ये गंदगी, ये गलाजत, ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये पाकिस्तान जिसको हम बैठ के जहाँ चाहते हैं बुरा कह देते हैं, हमारा ही है, और जैसा है हमने ही बनाया है, और जैसा आगे बनेगा वो भी हमने ही बनाना है। सो आज मैं उस शख्सियत का तारुफ कराऊंगी जिसने पाकिस्तान का झंडा लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के तारीख में एक मरतबा फिर बुलंद कर दिया। मुझे अफसोस है कि वो झंडा मैंने सिर्फ अपनी टेलीफोन की स्क्रीन पे देखा, मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन जो खुशी के आंसू हर पाकिस्तानी लाइन की आंखों से उस वक्त बह निकले वो मेरे से छुपे हुए नहीं हैं, क्योंकि उसमें मेरे अपने आंसू शामिल थे। मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब, मियाँ इदरीस, ये पाइसिस हैं का स्टार। आज आपको राज की बात बताऊँ, ये 15 मार्च को पैदा हुए हैं फैसलाबाद में, और मज़े की बात यह है कि इन्होंने भी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की, और ये भी आला तालीम के लिए लंदन चले गए, पॉलीटेक्निक में बिजनेस मैनेजमेंट किया, और शायद ही को पाकिस्तान का ऐसा बड़ा अदारा होगा लम्स वगैरह समेत जहाँ से इन्होंने मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमास और फिर इल्म की तलाश में ही कैनेडा तक चले गए। सो इनको खोज है इल्म हासिल करने की, और वो मुझे अब समझ आ गई कि क्यों है। लाइन में भी ये हर वक्त सीखते हैं, पढ़ते हैं, सिखाना चाहते हैं। इदरीस का मैंने कल रात को मतलब निकाला डिक्शनरी में से, उसका मतलब है टीचर,
सिखाने वाला। सो ये अपने नाम की इनकी मजबूरी है, बेचारे ही कैनॉट हेल्प हिमसेल्फ। सो ये अपना किरदार अदा करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये बॉर्न लीडर हैं, इनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, इनके वालदैन की दुआएं भी हैं, गरीब लोगों की दुआएं भी हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जब ये लाइन बने 1987 में, तो लायनिज्म ने फैसलाबाद में एक बड़ी करवट लेनी शुरू कर दी। और फिर देखते ही देखते वो लायन जो था वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन गया 1996-97, और फिर 2003-2004 में मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन। फिर तो वो एंड नहीं थी ना, गवर्नर बने तो मल्टीपल के बेहतरीन गवर्नर, जब मल्टीपल चेयरमैन बने तो इन्होंने आरएलएलआई करवा दी, पाकिस्तान में पहली दफा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ इंटरनेशनल सतह का। सो ये तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक करते गए और आखिरी हद इन्होंने फिर इंटरनेशनल डायरेक्टर बन के लास वेगस में ब्रेक कर दी। लेकिन ये एक साइड है जो आपने इनकी पर्सनैलिटी की देखी है। जिस तरह के लीडर ये लायंस इंटरनेशनल में है, इसी तरह के लीडर हैं मियां इदरीस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही हैज अ नेम, ही हैज क्रिएटेड अ पोजिशन फॉर हिमसेल्फ जिसको आज पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जानती और मानती है। ये सीईओ तो सिर्फ सितारा केमिकल्स के हैं, लेकिन सितारा केमिकल्स क्या कुछ कर रही है, सितारा इंडस्ट्रीज भी हैं, सितारा किस किस चीज में है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं, लेकिन इदरीस भाई ने मना कर रखा है कि पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं जबानी मुझे जो याद है मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन रियल एस्टेट क्या, फिटनेस एंड हेल्थ क्या, मैं समझती हूँ यू नेम इट एंड सितारा ग्रुप इज इन टू इट। सो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक है उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। उसमें ये हेड हैं बहुत सारे अस्पतालों के, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, बुक बैंक्स के, ब्लड बैंक्स के, मेडिसिन बैंक्स के। फिर अगर चेंबर्स की तरफ गए तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट पे नहीं रुके, फिर FPCCI के चेयरमैन बन गए, फिर इलेक्ट होते चले गए, और हजार चीजें हैं जहां पर उन्होंने अपना नाम कमाया, अपने नाम का सिक्का जमाया। हर जगह पे मियां इदरीस साहब के नाम की आज गूंज है, और मैं समझती हूँ कि एजाज वो होता है कि इंसान अपनी पोजीशन को, और ये अब मैं जो बात कह रही हूँ इदरीस साहब, ये आपको एक बड़ी बहन होने की हैसियत से कह रही हूँ कि नाम कमाना तो मुश्किल है लेकिन कमाया जा सकता है, लेकिन उस नाम को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टारगेट होगा।